कोफ्ता बनाने के लिए जो मसाला पीसना है उसमें आपको ये सारे मसाले चाहिए। आपको प्याज भी ग्राइंड करनी है तो मीडियम साइज़, तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन, और आपके पास शाही ज़ीरा और कबाब चीनी हो तो वो भी आप डाल सकते। अब इसको पीस लेना है हमें। इसको हमने पीस लिया, अब ये ऐसे दिख रहा है और इसे दरदरा पीस है। हमने 800 ग्राम मीट लिया है जो कि मटन है और उसको हमने इसे पिसा लिया है। मतलब अगर आपके घर में पीसने वाला है तो आप उसे पीस सकते हैं, नहीं तो अगर कूटने वाला है तो आप उसको कूट सकते हैं। हमने जो मसाला लिया था वो हमने इसमें डाल, मसाला जो पीसा था हमने वो, हरी मिर्च 4 से 5 और चार थोड़ी बहुत धनिया पाउडर, धनिया पत्ती जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने डाल दिया देगी मिर्च जिसको हम कश्मीरी लाल मिर्च भी बोलते हैं रंग के लिए, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर तीखापन के लिए, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 पैकेट मीट मसाला, 4 चम्मच नमक। जिस ऑयल में प्याज ग्राइंड किए थे उसी ऑयल को इसमें डालना है, मतलब गरम तेल डालना। थोड़ा सा कच्चा तेल इतना। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम कोफ्ता बना रहे हैं तो इसमें हल्दी की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने हल्दी नहीं डाला है। और आप अदरक भी मत डालिएगा क्योंकि अदरक से ये फट जाएगा, फैल जाएगा, कोफ्ता बनेगा नहीं ठीक से। आप इसमें नमक 3 चम्मच ही डालिएगा, जो मैंने डाला पहले वो थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि अभी मिल चुके हैं। अब हम इसके कोफ्ते के गोले बनाएंगे, ऐसे आपको हल्के हाथ से दबाते हुए गोल बनाना। ये देखिए गोल एकदम परफेक्ट। आप देख सकते हैं मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं, गोल गोल बना लिए हैं। अब थोड़ा बहुत जो रह गया उसको भी बना। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और वो जो पका हुआ ऑयल था वो भी इसी में है, और फिर इसको हम इसको चढ़ा देंगे बिना पानी डाले। हमने अब इसको चढ़ा दिया है हाई फ्लेम पे और 5 मिनट इस हम इसको ढक कर पकाएंगे, और जब ये पानी छोड़ देगा थोड़ा और तो उसके बाद इसका फ्लेम हम कम कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं अब इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया। अब हम इसको कम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे पकाएंगे 10 से 15 मिनट, और बीच बीच में चेक करना है कि सटे ना। 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसने पानी छोड़ दिया, अब हमें इसका पानी सुखाना है। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे इसका पानी जलाना है, बट इसे साथ साथ चलाते भी रहना है ताकि वो सटे ना। अब ये रेडी हो चुका है और इसने तेल छोड़ दिया, अब आप इसे खा सकते। हम अब उसमें सुरवा लगाएंगे। तो हमने तेल में सारे खड़े मसाले डाल दिए, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, जीरा। अब हमने प्याज डाले, हम ग्राइंड करेंगे हम इसको ब्राउन, ये एक मीडियम साइज प्याज है, ये अब ब्राउन होने वाला है। हम इसमें अब 4 स्मॉल साइज टमाटर काट के डालेंगे। हम इसमें अब लहसुन डाल रहे हैं जो हमने कूटा है फिर। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। हम इसमें 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। चलाइए तो
अब ये मसाला तैयार है, अब हम इसको प्योरी बनाएंगे और ताकि एकदम फाइन हो जाए। हमने इसे अब जार में निकाल लिया, अब हम इसे पीसने जा। खड़े मसाले निकाल लीजिएगा, पीसना नहीं है उसको, उसको हम कोफ्ते में डायरेक्ट डाल। ये हमने अब इसकी प्योरी बना दी है और अब हम इसको इसमें कोफ्ते को डालें। ये रहा कोफ्ता जो हमने बनाया था और अब इसमें ही हमें तरी लगानी है। अब हमने वो मसाला जो हमने पीसा था उसको भून लिया, अब हम इसमें केक कोफ्ता ऐड करेंगे। चलाइए। पांच मिनट होते हैं, हो गए हैं सबको पकाते हुए मीडियम फ्लेम पे। अब पांच मिनट और, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। पांच मिनट और हो गए हैं और अब ये पक गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो अलग हो गया है मसाले से, यहाँ पे ये ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब ये पक चुका है। Obvious that, you know, the leg spinners got on top of us today.